अस्सलाम वालेकुम, कौसिया फूड चैनल में आप सबको खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सीज़लर बना रहे हैं, सीज़लर नवाबी बोटी। ये बहुत मज़े की बनती है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो जिसके लिए मैंने लिया है 1 किलो बीफ, इसकी बोटियाँ मैंने छोटी छोटी कर ली हैं, ये लिए हैं। और ये हम 2 टेबल स्पून डालेंगे हरी मिर्चें, मैंने इसका पेस्ट बनाया हुआ है। और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये भी 2.5 टेबल स्पून है। और ये 1 टीस्पून मैंने लिया है नमक। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए हमने गोश्त डाल दिया, अब हम इसके अंदर इतना पानी डालेंगे कि ये थोड़ा सा डिप हो जाए। ये कम से कम मैंने 2.5-3 ग्लास के करीब मैंने पानी डाले। ये 1 टीस्पून नमक था, ये वो डाल दिया मैंने। अगर कम होगा तो हमें अभी बाकी चीज़ों में भी डालना होगा। ये लहसुन अदरक का पेस्ट, और ये 2 टेबल स्पून मैंने हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रख सकते हैं, कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हमें इसको इतना पकाना है कि ये गोश्त जो है गल जाए, लेकिन इसका है ना रेशा नहीं होना चाहिए। ये बोटियाँ हमारी जो है ना, ये बिल्कुल साबुत रहनी चाहिए, क्योंकि हमें इसको आगे फ्राई करना है। अब हम इसको ढक के रख देंगे कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए, और फिर हम मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। ये देखें जी, हमारी नवाबी बोटी अब बिल्कुल रेडी है। हमें इसे थोड़ा सा जूसी रखना है, थोड़ा गीला गीला रखना है जूसी, ताकि हम इस पर आराम से कोटेट कर सकें और सारा मसाला उसमें अच्छी तरह लग जाए। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ये देखें अब हम इसे बॉल में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको हमें ठंडा करना है, इसको मैंने ठंडा कर लिया। अब इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूंगी बॉल में, ताकि इसकी अच्छी तरह से हम मैरिनेशन कर सकें। ये देखिए अब ये कॉर्नफ्लावर है, इससे हम इसकी कोटिंग कर देंगे, ताकि ये इसके अंदर जो है अच्छी तरह लग जाए। तीन टेबल स्पून मैंने ये लिए थे, तो आप अपनी ग्रेवी के हिसाब से इसको कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं। अब हम इसे अच्छी तरह कोटेड इसकी करके इसको हम 20 मिनट के लिए रख देंगे, ताकि इस पर अच्छी तरह ही बोटियों पे लग जाए। पैन में हमने ऑयल शामिल कर दिया, अब हम इसको गर्म होने के लिए रख देंगे। ये देखें हमारी जो ये बोटियाँ थी, ये कितनी अच्छी इसके अंदर मैरिनेट हो गई हैं, सब इसके ऊपर लग गया। अब हम एक एक करके, हमारी बोटियाँ भी नहीं टूटी, अब हम ये एक एक करके इसको उठाएंगे और फ्राई कर लेंगे। अब हम इसे फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह, दोनों साइड से अच्छी तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखें अब सब बोटियाँ हमारी अच्छी तरह गोल्डन हो गई हैं, गोल्डन ब्राउन। बस अब हम इसको निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे, इसके अंदर मैंने थोड़ी सी लहसुन की कलियाँ ली हैं। ये मेरे पास फ्रीजर का लहसुन था तो ट्रांसपेरेंट हो गया,
तो मैंने लहसुन की कलियाँ ली हैं, अब इसको हम डाल के थोड़ा भून लेंगे, सौते कर लेंगे इसको थोड़ा। इसको हमें थोड़ा सा गोल्डन, लाइट गोल्डन करना है, ज़्यादा नहीं करना। ये देखें थोड़ा हमारा लहसुन अब थोड़ी इसकी ये चेंज होना शुरू हो गया इसका कलर। थोड़ा सा और इसको हम गोल्डन करेंगे। देखिए हमारा लहसुन अब गोल्डन हो गया थोड़ा। अब हम इसमें 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर मैदा के शामिल करेंगे और इसको थोड़ा सा भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। ये हमारा थोड़ा सा भून गया, अब हम इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे। थोड़ा सा दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह इसको थोड़ा लिक्विड कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठली वगैरह ना रह जाए। देखिए एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट बन गया। अब हम इसके अंदर 1/2 टीस्पून के करीब हम इसमें पिसी हुई हरी मिर्ची डाल देंगे और 1/2 टीस्पून हम इसके अंदर काली मिर्च डाल देंगे ताकि इसका भी फ्लेवर आए, क्योंकि अभी जो हम सॉसेस डालेंगे उससे इसका फ्लेवर दब जाएगा नहीं। ठीक है, ये एक प्याली क्रीम है, ये मैं क्रीम इसमें ऐड कर रही हूँ। आप इसमें मलाई भी ऐड कर सकते हैं टेट्रा पैक के ही। और ये एक ही प्याली मैंने मायोनीज ली है, ये ऐड करूँगी इसमें। ये देखें अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बिल्कुल स्लो फ्लेम रखनी है वरना फिर ये जल जाएगी, इसका फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। ये देखें हमारी प्यूरी सी बन गई, अच्छी सी इसका क्रीमी टेक्सचर हो गया बिल्कुल। अब इसमें हम चीज़ शामिल कर देंगे। ये हमने चीज़ डाल दी इसके अंदर, मोज़रेला डाली, मोज़रेला चैडर आप कुछ भी डाल सकते हैं अपने फ्लेवर के हिसाब से। ये देखें अब ये सब रेडी हो गई है। ये देखें जो मैंने शिमला मिर्च काट के रखी हुई थी, 2 शिमला मिर्च मैंने बड़ी ली थी, इसको चकोर क्यूब्स में काट लिया था। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं आप। अभी इसको हम फ्राई कर लेंगे, थोड़े सौते कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन चला जाए। बस इसको हल्का फ्राई करना है। थोड़ी सी और इसको क्रिस्पी करेंगे, बस फिर हम इसको निकाल लेंगे। हमने बूटियों को फ्राई करके रखा होता देंगे ताकि ये अच्छी सी कोट हो जाए, चीज़ वगैरह से मेल्ट हो गई। ये देखें इसको अच्छी तरह से ही हो जाए, सब अच्छी तरह इसमें बाइंड हो गए। इसको इतना कर लेंगे हम, सब बोटियों पे लिपट गया। और ये जो हमने शिमला मिर्च फ्राई की थी अब हम इसके अंदर ये भी डाल देंगे। ये देखें ये हो गई हमारी बीफ नवाबी बोटी।
अभी बिल्कुल रेडी है हमारी। अब हम इसे डिश आउट कर देंगे। अभी हमारी सीज़लर ने अभी बोटी तैयार है बिल्कुल। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का दबा दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम।